हम चित्राल से शंदूर टॉप से होते हुए फंडर पहुंचे, जिससे हमें ये सफर 6 से 6.5 घंटे का पड़ा। लेकिन अगर हम यही सफर गिलगित से करते तो हम 4 घंटे में यहाँ पहुंच सकते थे। सुबह होते ही हम नाश्ता करके फौरन बाहर निकल आए थे, क्योंकि हम रात में यहाँ पहुंचे थे जब हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था और हमने इस जगह के बारे में बहुत कुछ सुना था, जो कि हम देखने के लिए पागल हो रहे थे। मतलब ज़्यादा ठंड है, लेकिन फिर भी हम शोधियों के बाहर निकल आए, क्योंकि आप फंडर आएँ और फिशिंग ना करें तो फंडर क्यों आए। फंडर बहुत छोटी सी खूबसूरत वैली है गिजर में, और ये वैली ऐसी है कि यहाँ जगह जगह पानी की नहरें बह रही हैं और उसमें ट्राउट फिश होती हैं। कुछ जगहों पे अलाउड नहीं है फिशिंग करना, लेकिन कुछ जगह हैं जहाँ पर आप कर सकते हो। तो हम इस वक्त जहाँ पर आए हुए हैं उधर अलाउड है फिशिंग करना, तो हमने सोचा कि चल यार ठंड की खैर है, फिशिंग करते हैं रात में, गरम गरम मछली खा के हम थोड़े ठंड को बर्दाश्त कर सकेंगे। बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, बस अब मुझे कह रहे हैं वो लोग कि आगे आ जाओ, हम उस तरफ जा रहे हैं फिशिंग करने, चलते हैं उस तरफ। फिर बहुत सारी छोटी छोटी नहरें हैं और हाथ तो अब जम गए, आई कॉन्ट फील माई हैंड्स, हाथ तो लग रहा है कि अब उनकी आदत होगी, लेकिन पाँव बेचारे सॉक्स और जॉगर्स में कवर्ड हैं, अब उन चारों को नहरों में से गुजारना एक टास्क है, वो भी कर लेते हैं यार अभी आए। कह रहे हैं कि 4 बजे से पहले मछलियाँ बाहर नहीं आती हैं, तो हमने 2-3 दफ़ा ट्राई किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। शायद वेट करें, यहाँ वेट करने वाली हालत नहीं है, क्योंकि ठंड ऐसी है कि सबको जुकाम होना शुरू हो गया है। शायद आज मेरा पहला फिशिंग का एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है कि बेकार रहा। भाई उधर के लिए नहर कैसे मैं क्रॉस करके वो पानी क्रॉस करके चले गए मजे से, जॉनीज हैं और इन अच्छे बब्बा। यहाँ लोग अपने जितने भी इनके जानवर होते हैं वो ऐसे पास्टर में छोड़ देते हैं, और इतने ट्रेंड हैं कि ये दिन भर यहाँ की फ्रेश घास खा के ना और दोपहर शाम में वापस अपने घर खुद चले जाते हैं। तो ये सारे सब मसरूफ हैं पेट पूजा में। बाय बेबीज। इतने ठंड के बाद हमने सोचा कि गिजर ब्लॉसम इन पे आके चाय पी जाए, क्योंकि जो तो हम जम के आए, मेरे ख्याल चाय थोड़ी हेल्प करेगी। लेटेस्ट अपडेट ये कि ये गिजर ब्लॉसम इन नहीं है, उन्होंने सिर्फ इसका बोर्ड यहाँ लगाया, ये कोई मासूम सा गेस्ट हाउस है, तो ये गिजर ब्लॉसम इन नहीं है।
वो आगे जाके आता है। फिशिंग के नाकाम एक्सपीरियंस के बाद हम घर गए अपने बैग्स उठाने और अपने होस्ट से मुलाकात करने, क्योंकि अब वक्त आ गया था कि हम निकलें अपनी दूसरी मंजिल की तरफ। ये फंडर वैली का फेमस स्पॉट है जो बहुत सारे कैलेंडर्स में भी नजर आता है। यहाँ का जो पानी है वो बिल्कुल ब्लू है, नजर आ रहा है। और ये जगह स्विट्जरलैंड से कम वाइब्स नहीं आ रही है यहाँ पे, और बहुत फिट है। बारिश शुरू क्योंकि हो गई थी तो हमने फिशिंग का प्लान कैंसिल किया, और हमने सोचा कि ये थोड़ा सा आगे आके आती है जगह, लेकिन सिंस ये जगह बहुत मशहूर है तो हमने सोचा कि यहाँ पे आके एक दो ज़रा तस्वीरें खींच ली जाए। बहुत तेज तो नहीं हो रही यार, लेकिन बारिश हो रही है, ऊपर से ठंड बहुत ज़्यादा। लेकिन हमने सोचा फंडर है और यहाँ की ये फेमस जो कैलेंडर वाली जगह है, ये तस्वीर की जो जगह है ये हर कैलेंडर की तस्वीर में होती ही है, तो हमने सोचा यार यहाँ भी आकर थोड़ी फोटोग्राफी कर ली जाए। तो ये वाली जगह भी देख ली, और आई थिंक अब फंडर का सफ़र ख़त्म होने को आ गया है। वी डोंट फील लाइक लीविंग दिस प्लेस, लेकिन अब हमें जाना पड़ेगा। हम जा रहे हैं हुंजा की तरफ क्योंकि उधर फैमिली वेट कर रही है ईद पे। आज ईद का पहला दिन है, हम फंडर में थे रात तक, हम इंशाल्लाह हुंजा पहुंच जाएंगे और फिर उसके बाद हुंजा में क्या करना है वो हुंजा वाले व्लॉग में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय। शर्मा गए बॉयज अभी अपनी मीठी आवाजों में गाना गा रहे थे। ईद के पहले दिन की वजह से हमें आज कोई गाड़ी नहीं मिली, तो हमारे दोस्त के भाई ही हमें गिलगित तक ड्रॉप करेंगे और फिर गिलगित से हमें हमारे भाई पिक करेंगे हुंजा के लिए।